बैंकॉक थाईलैंड दुनिया का एक बहुत ही फेमस जगह है फॉर द नाइट लाइफ, एंटरटेनमेंट, पार्टी एंड फन। और दोस्तों बैंकॉक का सबसे जो फेमस पार्टी करने का स्ट्रीट है दैट इज़ द खाओशन रोड। सो मेरे भाई, इस वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ खाओशन रोड में कैसे आप जा सकते हो, खाओशन रोड का ओपनिंग टाइम है, खाओशन रोड में आप कैसे कैसे एंटरटेनिंग थिंग्स आप देख सकते हो, कैसे एडवेंचरस पार्टी आप एंजॉय कर सकते हो, ए टू जेड पूरा सोल्यूशन, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस वीडियो में अबाउट द खाओशन रोड। तो ये वीडियो होने जा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, पहले ही थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों पहले तो जान लेते हैं खाओशन रोड का ओपनिंग टाइम। सो मेरे भाई, खाओशन रोड का जो एग्जैक्टली जलवा है वो शुरू होता है सूरज डूबने के बाद, मतलब शाम के वक्त, और ये चलता है मिड लाइट, दो से तीन बजे, चार बजे तक भी कभी कभी चलते हैं। जब तक लोग थक नहीं जाते, जब तक लोग टायर्ड नहीं हो जाते, तब तक वहाँ पर पार्टी शार्टी मस्ती धूम धड़ाम सब कुछ चलता ही रहता है मेरे भाई। पर अब दिन में भी जा सकते हो खाओशन रोड में, क्योंकि इस खाओशन रोड सिर्फ एक पार्टी जगह नहीं है, खाओशन रोड देखने में बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्लेस है। ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है, टूरिस्टों के लिए खास बनाया गया है फॉर द एंटरटेनमेंट, फॉर देयर फन। अभी हम लोग जानेंगे कैसे आप खाओशन रोड जा सकते हो। एक्चुअली खाओशन रोड जाने का तो बहुत तरीका है, पहले तो आप ले सकते हो कैब, कैब से डायरेक्टली आप पहुँच सकते हो, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हो तो आप स्काई ट्रेन मतलब BTS से भी जा सकते हो, पर BTS स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको एक छोटा सा बोट राइड आपको लेना है, जस्ट 15 से 20 थाई भट लगेगा, पर आपको फुल टूरिस्ट बोट आपको हायर नहीं करना है, वो कॉस्ट पड़ जाएगा ऑलमोस्ट 150 थाई भट। बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे गलती कर देते हैं, मतलब जो जनरल बोट है, पैसेंजर बोट है, वही लेना है, पर हेड 15 से 20 थाई भट ही लेता है, तो ये बहुत ही सस्ता हो जाता है। तो आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा सा एक वॉकिंग डिस्टेंस आप जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों टुक टुक, एक टुक टुक लेकर भी आप जा सकते हो खाओशन रोड। अगर आप थोड़ा सा एडवेंचरस हो, थोड़ा सा बैकपैकर्स हो, सोलो ट्रैवलर हो, अब वॉक करके भी जा सकते हो। मैं गया था वॉक करके, क्योंकि थाईलैंड एक बैंकॉक एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, शहर के बीचों बीच पूछते हुए गूगल मैप का सहारा लेते हुए आधा घंटा 40 मिनट वॉक करते अगर जाओगे साइट सीन देखते देखते, वो भी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि इतना खूबसूरत शहर वहाँ आपके बीच में लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए खाओशन रोड जाओगे, ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको देता है। तो मैं दोस्तों गया था खाओशन रोड वॉक करके, रास्ते में जाते जाते ये दो लड़कियों के साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, वो भी जा रहे थे खाओशन रोड, एक्चुअली दे आर फ्रॉम कनाडा। उन लोगों के साथ बातें करते करते हम लोग गूगल मैप देखते रहते पहुँच गया था खाओशन रोड। खाओशन रोड आपको देता है मौका एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ फूड वैरायटी की। पहले तो बात कर लेते हैं खाओशन रोड में, आप पहले तो जो स्ट्रीट फूड है लोकल थाई स्ट्रीट फूड, उसका भी टेस्ट आप ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल, थोड़ा सा एक्सपेंसिव खाना चाहते हो, खाओशन रोड में वो भी है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स भी है वहाँ पर, आप डिफरेंट कॉन्टिनेंटल कुजीन भी आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा एडवेंचरस एक्जॉटिक फूड खाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों मगरमच्छ का गोश और बिच्छू फ्राई, ये भी एक कमाल का एक्सपीरियंस है जो मैंने टेस्ट नहीं किया, अगर आप चाहते हो एक्सप्लोर कर भी सकते हो। तो फूड के बारे में तो भाई यहाँ पर आपको वाइड रेंज ऑफ वैरायटी मिल जाएगा, ह्यूज डिफरेंट टाइप ऑफ आपको जूस मिल जाएगा, आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल फूड मिल जाएगा, तो आप अकॉर्डिंग टू योर विश डिफरेंट फूड का टेस्ट ले सकते हो। खाओशन रोड फेमस है पूरा दुनिया में फॉर इट्स पार्टी एंड नाइट लाइफ। अगर आप पार्टी एंजॉय करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, जैसे एक बियर का बोतल ले लीजिए, लगभग 100 थाई फट के अंदर आपको एक बियर मिल जाएगा, दैट इज क्वाइट रीजनेबल, और पार्टी कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ अननोन टूरिस्ट ओवर देयर। वहाँ पर मुझको मिला बहुत बैकपैकर सोलो ट्रैवलर्स जो मेरे तरह अकेले अकेले घूमते हैं, सो आई मेट लॉट ऑफ पीपल, वी हैड लॉट ऑफ ग्रेट डिस्कशन, और अकीन मैनी एक्सपीरियंस वाज सो नाइस। पार्टी एंजॉय करने के लिए आपको कोई एक्सपेंसिव पब और डिस्क में आपको घुसना नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग इज ओपन ओवर हियर, आप जाओ एंजॉय करो, इंटरेक्ट करो, और धूम धड़ाके के साथ एक थाईलैंड का ये जो नाइट लाइफ एंजॉय आप कर सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। खाओशन रोड पे एक बहुत ही फेमस चीज है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट इज द ट्रेडिशनल थाई मसाज। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसाज पार्लर्स हैं रास्ते के ऊपर, आप देख सकते हो कोई आपका पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई सर दबा रहा है,
सो डिफरेंट डिफरेंट मसाज जो लोग ऑफर करते हैं, 30 थाई वर्ड से 200 थाई वर्ड, 400 थाई वर्ड तक आपको डिफरेंट रेंज ऑफ आपको मसाज का आइटम्स आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा रिलैक्स करना तो जाओ वहाँ पर मसाज पार्लर पे अकॉर्डिंग टू योर बजट थाई मसाज का एक एक्सपीरियंस कर लो। होप सो इट वुड बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। थाउशन रोड जन्नत है फॉर द बैकपैकर्स, फॉर द सोलो ट्रेवलर्स। यहाँ पर आपको मिल सकता है बहुत चीपेस्ट होटल एंड हॉस्टल्स। पूरे दुनिया भर से बैकपैकर्स, सोलो ट्रेवलर्स, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं होटल लाइफ को, यहाँ पर जो हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करने के लिए। मैं जब थाईलैंड में गया था मैं तो रुका था प्लैटिनम में, बट खाउशन रोड आने के बाद मुझको बहुत ही एक्चुअली आई फेल्ट सो अपसेट, क्योंकि मुझे होना चाहिए था खाउशन रोड में, बट फॉर दैट ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने हॉस्टल लिया था प्लैटिनम एरिया में। प्लैटिनम में एक बहुत ही पॉपुलर फेमस जगह है, बट मुझ जैसे बैकपैकर्स के लिए, सोलो ट्रेवलर के लिए तो गाइज खाउशन रोड बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते से 200 से 300 रुपये में भी पर डे हिसाब के आपको बेड मिल सकता है हॉस्टल में, और होटल भी आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो आप एक चीज़ बोल सकते हो, खाउशन रोड देता है सेटिस्फेक्शन टू डिफरेंट क्लास पीपल। अगर आप एक थोड़ा सा बजट ट्रैवलर हो तब भी आप जा सकते हो, अगर आप बहुत ही रिच लग्जरियस ट्रैवल करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो खाउशन रोड में। तो दोस्तों ये था हर एस्पेक्ट से इंफॉर्मेशन अबाउट द खाउशन रोड। अगर आप बैंकॉक जा रहे हो, थाईलैंड घूम रहे हो, एक दिन दो दिन आपको खाउशन रोड में जाना ही चाहिए, टू एक्सप्लोर द नाइट लाइफ, टू एक्सप्लोर द फूड, टू एक्सप्लोर द पार्टी ओवर देयर। जाओ मजे करो, खाउशन रोड को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। सो गाइज इस वीडियो में इतना तक, होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा टू मेक योर थाईलैंड ट्रिप। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कॉमेंट्स करिए, आई लव टू गो थ्रू योर कॉमेंट्स एंड आई रिप्लाई ऑल ऑफ योर कॉमेंट्स। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।